कि मैंने आपको पहले भी कहा था मैं भुगता हूँ भैया, न होना चाहिए आपको। सर जिस तरीके से आप बताइए, पहले आपकी ऊर्जा देखकर दोबारा बहुत दिनों बाद ऊर्जा दिख रही है आपकी, बहुत दिन आप सुस्त थे। देखिए उनको आपने उनके साथ सरकार चलाई है और आप उनके अंदर की सब बातें जानते हैं, जो भाजपा को सारे राज भी बता दिए होंगे। मेरा आपसे कहना है कि ये उनका जो दावा है इसके पीछे का सत्य क्या है, और दूसरा ये कि केंद्रीय मंत्री आप कब बन सकते हैं? देखिए पहले तो मैं बता दूं कि वर्तमान में कांग्रेस छटपटा रही है, जनता की सेवा के लिए नहीं, छटपटा रही है वादों पे खड़े उतरने के लिए नहीं। कांग्रेस छटपटा रही है क्योंकि उनकी कुर्सी चली गई, और खास करके कांग्रेस के नेता, वे चाहते हैं कैसे भी हो केवल कुर्सी एक बार मिल जाए। हम लोगों को कुर्सी की फिक्र नहीं है, जैसे हमने करके दिखाया है। 6 कैबिनेट मंत्री थे जिन जो कैबिनेट मंत्री बने, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई, एक क्षण नहीं लिया उन्होंने सत्य का रास्ता पकड़ने के लिए। और मैंने कई बार किया कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। अब वो जो भी कहना चाहें कहें, उनको अपना पूरा हक है कहने के लिए। हम अपने तरफ से कुछ कहना नहीं चाहते, हम तो जनता के विश्वास पे उतरना चाहते हैं। और जहां तक आपका दूसरा प्रश्न था, मैं 2002 से, जब से मैंने जनसेवा का पथ अपनाया है, मैं जनसेवक था, जनसेवक हूं और जीवन के अंत तक जनसेवक ही रहूंगा। कुर्सियां आती हैं, कुर्सियां जाती हैं। जीवन में हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कुर्सी के खेल में हम लोग ना लगें, लेकिन जनता का दिल जीतना और जनता का सम्मान जीतना, यही जीवन की सबसे बड़ी, मैं मानता हूं कि पूंजी होनी चाहिए जिंदगी में। सर जिस तरीके से बाय इलेक्शन के दौरान में जो कांग्रेस है वो आप पे लगातार निजी हमले कर रही है और आपके लिए कई बार विश्वासघाती और गद्दार शब्द का भी इस्तेमाल कर रही है, तो देखिए कांग्रेस, देखिए कांग्रेस से ना मुझे कुछ उपेक्षा है और ना आपको होनी चाहिए। कांग्रेस से कोई एक्सपेक्टेशन रखना हम लोगों को नहीं होना चाहिए। उनको तो जैसे मैंने कहा ना कि केवल कुर्सी की चिंता है, कुर्सी खिसक गई। और मुझे इस बात का गर्व है कि जिस तरीके से मेरी दादी ने सत्य का रास्ता अपनाया था डीपी मिश्रा जी की सरकार के समय में, जिस तरीके से मेरे पूज्य पिताजी ने सत्य का सामना, उसका झंडा उठाया था,